सूचना और प्रसारण मंत्रालय की समन्वय बैठक का आयोजन इस बार प्रादेशिक समाचार एकांश दूरदर्शन केंद्र भोपाल द्वारा किया गया। भोपाल स्थित अधिकारियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक श्री प्रशांत पाठराबे ने की। बैठक को संबोधित करते हुए श्री पाठराबे ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को अधिक गुणवत्तापूर्ण तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं को दूरस्थ अंचलों तक पहुँचाने की बात कही। बैठक में सभी विभागों के गतिविधियों की जानकारी लेते हुए श्री पाठराबे ने केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के बीच बेहतर समन्वय को स्थापित करने के दिशा निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि श्री प्रशांत पाठराबे ने हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय भोपाल में अपर महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। श्री पाठराबे 1993 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। इसके पहले श्री पाठराबे ने फिल्म प्रभाग मुंबई में अपर महानिदेशक के पद पर और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में निदेशक के तौर पर और डिफेंस प्रवक्ता के पद के साथ अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। डीडी न्यूज़ से बात करते हुए श्री पाठराबे ने कहा कि केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी विविध कार्यक्रमों और योजनाओं की समाज के अंतिम व्यक्ति तक जानकारी पहुँचाने में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक सीधे पहुंचाने का सूचना प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक श्री प्रशांत पाठराबे जी हमारे साथ में हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या उन्होंने फ्यूचर प्लान्स बनाए हैं इस चीज़ को लेकर। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अलग अलग मीडिया यूनिट्स जो है वो सारे स्टेट कैपिटल्स में होते ही हैं, और वो दूरदर्शन हो, ऑल इंडिया रेडियो हो, रीजनल आउटरीच ब्यूरो हो या आकाशवाणी केंद्र हो, वो अपना अपना काम अच्छे तरीके से करते ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसे लगता है, और मंत्रालय से मिले निर्देशों से भी ये क्लियर हो जाता है कि एक फोकस्ड तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। विशिष्ट केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बहुत सारी योजनाएं हैं, और सभी योजनाओं के ऊपर पब्लिसिटी या कोई इनिशिएटिव लेके एक्टिविटी आयोजित करना ये संभव नहीं हो पाता है। तो उसमें से कौन सी योजनाओं के ऊपर फोकस करना है, कौन सी योजनाओं को प्राथमिकता देनी है, ये सारी चीज़ें जो है इस टाइप के इंटरमीडिया कोऑर्डिनेशन से ही संभव हो पाता है। तो इसमें मुझे लगता है कि इस टाइप की इंटरमीडिया कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी जो है इसमें फोकस भी बना रहता है। इसके साथ साथ मीडिया यूनिट्स के बीच में जो सिनर्जी होनी चाहिए, कुछ मीडिया यूनिट्स के बहुत स्ट्रेंग्स होते हैं, कुछ मीडिया यूनिट्स के कुछ वीकनेसेस होते हैं, और एक दूसरे से सीखने वाली बात जो होती है, कुछ मीडिया यूनिट्स जो होते हैं वो सोशल मीडिया को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, कुछ मीडिया यूनिट्स को बिल्कुल सोशल मीडिया के बारे में नॉलेज नहीं होता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो एक दूसरे से सीखने में भी इस टाइप के इंटरमीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी से जो है वो फ़ायदा होता है। मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इस टाइप की मीटिंग का, वो ये सारी चीज़ों में जो है बहुत उसकी मदद होती है।